तो भाइयों आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ब्लू स्टैक्स को यूज करते हुए फ्री फायर को अपने लो एंड पीसी में कैसे प्ले कर सकते हो। इस वाली वीडियो में मैं जो आपको ब्लू स्टैक्स का वर्जन प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसकी जो हेडशॉट परसेंटेज है वो ब्लू स्टैक्स 5 से भी ज्यादा है और इसकी परफॉर्मेंस भी ब्लू स्टैक्स 5 से अच्छी है। अगर आप इसमें नॉर्मल शॉट भी लेते हो सकता है वो शॉट भी आपका हेडशॉट बन जाएगा। उसकी सबसे ज्यादा मेन रीजन ये कि हमने इसके अंदर कुछ सेटिंग ही ऐसी कर रखी है, इसके अंदर हमने टच रिस्पॉन्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया जिससे आपका जो एम है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाता है अदर वर्जन की बनिस्बत। यहाँ पर आपको एल स्पीड देखने के लिए मिलता है जिससे आपकी ब्लू स्टैक्स की जो परफॉर्मेंस है वो 100% इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर आपको हिडन सेटिंग का फीचर्स मिलता है जिससे आपकी हेडशॉट की परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड इसी के साथ साथ ये एमुलेटर रूट है एंड आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने इसके अंदर कलर वाला टूल भी एड कर दिया है जिससे आपके जो ग्राफिक्स है वो बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाएंगे। अगर आप ब्लू स्टैक्स लवर हो, आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को सेव करके रख ले, बाद में आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपने ये दो फाइल्स डाउनलोड करनी है। सबसे पहली है आपका ब्लू स्टैक्स। ये जो ब्लू स्टैक्स का वर्जन है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपने मेरी मोड की हुई फाइल जो है ना डाउनलोड करनी है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले ब्लू स्टैक्स 4 को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपका ब्लू स्टैक्स आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 की ये लॉन्च है। खासियत ये वर्जन नहीं है, खासियत है वो कॉन्फ़िग फाइल। यहाँ से आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप इंस्टॉल करना चाहें। यहाँ पर आप तकरीबन 10 GB की स्पेस खाली होनी चाहिए क्योंकि हम मोडेड फाइल्स को भी इसमें यूज करेंगे। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर हमारा ब्लू स्टैक्स इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपने अपने ब्लू स्टैक्स को लॉन्च करना है। तो इधर आपको ये अपडेट शो करेगा, तो आपने अपडेट नाउ के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना, आपने इसको कट कर देना है। तो इस तरीके से आपका ब्लू स्टैक्स चल जाएगा। तो जस्ट आपने करना है इसको कट कर देना है। तो यहाँ पर स्टेप 1 हमारा डन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। जो फाइल डाउनलोड करी थी आपने इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपने डायरेक्टली सिलेक्ट कर ली, तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। आपने एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसका पासवर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, पासवर्ड है 123 पासवर्ड है। आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ब्लू स्टैक्स का फोल्डर देखने के लिए मिलेगा। इस फोल्डर को आपने ओपन कर लेना है। इस फोल्डर का साइज जो है वो 9 GB तक जो है वो यहाँ पे चला जाता है। अब यहाँ पर आपने अपने दिस पीसी के अंदर चले जाना है। यहाँ पे ध्यान से देख लें, इधर आपने उस लोकल में जाना है जहाँ पर आपकी विंडो पड़ी है या जहाँ पर आपने सिमुलेटर को इंस्टॉल किया था, उस लोकल को ओपन कर लें। इधर आपने व्यू वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, ऑप्शंस के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको व्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे शो हिडन फोल्डर्स को यहाँ से आपने कर लेना है। अप्लाई करके आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। इस फोल्डर को आपने लॉन्च करना है। इधर से आपको ब्लू स्टैक्स का फोल्डर मिलेगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको जो फाइल मिलती है इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे क्या, हमारी जो आपने फाइल डाउनलोड करी थी उनको कट करें एंड इधर लाकर रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पर हमारा ब्लू स्टैक्स जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। आपने ब्लू स्टैक्स को जो है वो लॉन्च कर लेना है। कंप्लीट ब्लू स्टैक्स को आपने चलने देना है। कोई भी आपने रिफ्रेश वगैरह या फिर अदर प्रोग्राम को नहीं चलाना क्योंकि ये स्टार्टिंग में आपके सिस्टम में बहुत ही ज्यादा हैंग होगा। इसकी सेटिंग करने से पहले ये लाजिम है कि आप इसके अंदर फ्री फायर को इंस्टॉल करें। अब यहाँ पे मेरे पास फ्री फायर का APK पड़ा हुआ है। डोंट वरी, मैं इस APK को आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। फ्री फायर का जब भी नया अपडेट आएगा आप उसी लिंक से डाउनलोड करोगे एंड उसी लिंक के अंदर आपको फ्री फायर का लेटेस्ट APK मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको जो नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ, इन स्टेप्स को आपने ध्यान से देखना है क्योंकि यही जो मेन स्टेप है इन्हीं से ही आपके परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी और यही जो स्टेप्स है इन्हीं में आपको फर्क दिखेगा ब्लू स्टैक्स के इस वर्जन में। आपने क्या करना है, इंस्टॉल हो जाने के बाद फ्री फायर आपने इसके एंड्रॉइड सेटिंग के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आपने एप्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इन एप्लीकेशंस को लाजमी से डिसेबल करें। तो अब आपने क्या करना है, आपका जो मैजिस्क मैनेजर है इसको आपने यहाँ से ऑन कर लेना है। ऑन कर लेने के बाद यहाँ से आपने ओके कर लेना है, सुपर यूजर के अंदर चले जाना है एंड इन तीनों को अनेबल कर देना है। जैसे आप इनको अनेबल करेंगे उसके बाद आपने एल स्पीड को ओपन कर लेना है, बाद आपको कस्टमाइज के अंदर जाना है एंड यहाँ पर ये जो मैं सेटिंग आपको बता रहा हूँ इस सेटिंग को आपको कॉपी कर लेना है। Thank you.
एंड यहाँ पर आपने प्रोफाइल में जाना है एंड इधर से आपने ऑप्टिमाइज्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने अपने एमुलेटर की सेटिंग में जाना है। सबसे पहले आप ये वाली रेजोल्यूशन ट्राई करें, अगर आपका इसमें गेम अटक रहा है तो आप इस वाली रेजोल्यूशन में जाएं, अगर आपका इस वाली रेजोल्यूशन में भी गेम अटक रहा है तो कस्टम रेजोल्यूशन के अंदर जाएं, 800-600 वाली रेजोल्यूशन आप ट्राई कर सकते हैं, DPI को आपको 240 ही रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे इंजन वाली सेटिंग के अंदर जाएं, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के अंदर रखना है। ब्लूस्टैक्स जो है वो OpenGL पे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, लेकिन अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड है तो आप DirectX पर जा सकते हो। यहाँ पर आपने AX टेक्सचर को डिसेबल कर देना है। यहाँ पर आपके जो कोर्स है, मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, आपको अपने सिस्टम के कोर्स पता होंगे, तो यहाँ पे मैं अपने कोर को बिल्कुल मैक्स रखूंगा। अगर आपके 4 कोर्स हैं तो 4 देने हैं एंड यहाँ पे रैम को मैन्युअली असाइन करना है। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे सिस्टम में 2GB रैम है तो 1GB रैम में जा सकते हो, लेकिन अगर आप 2GB रैम से मैनुअल बढ़ाना चाहो तो आप इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो एंड यहाँ पर आपने 16 MB पर ही रखना है। लेकिन अगर आपका इसमें भी बेस्ट चल रहा है तो आप एक स्टेप आगे जा सकते हो, आपने इसको अनेबल करके बिल्कुल मैक्स कर देना है। अब नेक्स्ट सेटिंग करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने एमुलेटर को एक दफा रीस्टार्ट कर लें। अब यहाँ से हम अपनी सेटिंग को कंटिन्यू रखते हैं, यहाँ पर हम प्रेफरेंस में जाते हैं, इधर से आपने जो गेम पैड है इसको आपने यहाँ से अनचेक कर देना है एंड देन हमारा लास्ट ऑप्शन बचना है एडवांस्ड। इसमें आपको असोस की डिवाइस ही रखनी है ROG की, बाकी जो सेटिंग है आपने उसको सेम एज इट इज ऐसे ही रहने देना है। तो जब आप ये सारी सेटिंग कर ले, आपने अपने जो फ्री फायर है इसको लॉन्च करना है। अदर जो टूल्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं उन टूल्स को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि मैंने उन टूल्स के अंदर अपनी सेटिंग आपको करके दे दी है, तो उस सेटिंग से आपका लैग भी नहीं करेगा। अगर आप फ्री फायर के यूजर न्यू है या फिर एमुलेटर के ऊपर खेल रहे हैं तो इसके अंदर जो कलर का टूल है वो भी ऐड है, लेकिन अगर आपका उस टूल से गेम अटक रहा है तो आप इस टूल को अनइंस्टॉल कर दीजिए। आपके जो फ्री फायर के कलर्स हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन इस कलर्स को मैंने मैन्युअली इसके अंदर डाल कर दिया है, जिस तरह की आप देख पा रहे हैं ये वीडियो एडिटिंग नहीं है, ये एक्चुअली में फ्री फायर इतनी वो कलरफुल देख रही है हमें। तो यहाँ पर हम फ्री फायर के लॉगिन पेज के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर का भी सपोर्ट मिलता है एंड यहाँ पर आपको फेसबुक का भी सपोर्ट मिलता है, आप इधर से ही लॉग इन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे रिसोर्सेज पैक है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि रिसोर्सेज पैक आप सिर्फ अपने कपड़े वगैरह जो आपकी चीजें हैं इन्वेंटरी में वही डाउनलोड करें, अदर चीजें हैं उनको आप डाउनलोड ना करें, क्योंकि रिसोर्सेज से आपके CPU की CPU यूसेज बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। तो अगर आप वाईफाई यूजर हैं तो आप इनको अगेन डाउनलोड डिलीट कर दिया करें, फिर अगेन डाउनलोड कर लिया करें, ऐसा आप जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम करते हैं, यहाँ पे मैच को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने फ्री फायर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर जिस तरह के मैंने आपको बोला था कि सारी चीजें इसमें इनबिल्ट होंगी, की मैपिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं की मैपिंग के ऊपर जाकर आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको स्मार्ट मोड एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलता है, दोनों ही वर्किंग है। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पर आप इसको माउस लॉक एंड अनलॉक करने के लिए मैं F1 ही यूज करने वाला हूँ। अगर आप इसको ही और बटन सेट करना चाहें तो आप वो भी जो है वो जाकर सेटिंग में कर सकते हैं। मैंने पूरी वीडियो बनाई है इसकी की मैपिंग के ऊपर, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा, इससे आपकी जो आवाज है वो कम होगी एंड यहाँ पे ऑल आवाज को इधर से आप म्यूट कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो कंट्रोल है वो ब्लूस्टैक्स के अंदर ही रहेगी। अगर आप स्क्रीन को छोटा खेलने के आदी हो तो आपको इसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर आपको जो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो कंट्रोल देखने के लिए मिल रहे हैं इसके अंदर, वो यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ओपेसिटी को इसको 0 कर देना है आपने, तो ये जो बटन्स हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं वो भी बिल्कुल यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आप ग्राफिक्स देख पा रहे हैं, ये कलर चेंजिंग टूल्स का कमाल है, जिससे आपके ग्राफिक्स भी बहुत ज्यादा इनहेंस हो गए हैं। और एक चीज आपने गौर की होगी कि ये गेम मेरे सिस्टम में अब जरा भी नहीं अटक रहा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये एमुलेटर बिल्कुल मॉडिफाई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।